नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब कभी भी आप देखते हैं कि किसी इंसान के पैरों में सूजन रहती है और सूजन होने के कारण वो पैर इतना ज़्यादा मोटा थुलथुला हो जाता है, जैसा कि हाथी के पाँव के जैसा लग रहा है, तो दोस्तों आज मैं आपको हाथी पाँव या जिसे हिंदी में फाइलेरियसिस कहा जाता है या इसे एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, सिम्टम्स क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये ठीक हो सकता है, और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपना परिचय, मैं डॉक्टर कैलाश, नए दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फाइलेरियासिस या हाथी पाँव के बारे में और इसके होम्योपैथिक इलाज। दोस्तों, एलिफेंटियासिस ये क्या होता है? दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड में होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बार अगर किसी को हो जाती है तो सबसे पहले इसके लक्षण पहचान में नहीं आते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ एक सूजन हो गई है, किसी भी कारण से आप स्वेलिंग की मेडिसिन लेते हैं, सूजन की मेडिसिन्स लेते हैं और एवं प्रकार से इसे कई दिनों तक, महीनों दो महीनों तक लेते हैं। अगर सूजन ठीक नहीं होती है तब आपको माइंड में ये ट्रिक करता है कि ये लगता है सूजन नहीं है, किसी और बीमारी के संकेत है। तो दोस्तों, ये फाइलेरियासिस हो सकता है। दोस्तों, ये क्यों होता है? दोस्तों, फाइलेरियासिस यानी हाथी पाँव मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों, मच्छर बहुत सारे प्रजाति के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं एनाफिलीज होते हैं, उसके बाद कुलेक्स होते हैं, या बहुत से भी प्रजाति है, या जिस किसी भी प्रजाति के मच्छर आपको काटते हैं, जिस समय ब्लड का सकिंग करते हैं, वो ब्लड चूसते हैं, उस समय अगर इस मच्छर के काटने से इसके जो लार्वा होते हैं, या जिसे आप लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि अगर आप थूक फेंकते हो तो जब मच्छर काटता है तो उसमें लार्वा होता है जो कि आपके ब्लड में जाता है, उस लार्वा में अगर व्यूचेरिया ब्रोंकोफाइटाइड नामक पैरासाइट्स अवेलेबल होते हैं तो वो ब्लड में मिल जाते हैं, और मिल जाने के बाद क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के जो स्किन के एपिडर्मिस एरिया है उसमें वो इकट्ठा हो जाते हैं, और उसका जो ये फ्लूड होता है ब्यूचेरिया ब्रोंकोफाइटाइड, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है और आपके लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है। आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी में जो लिम्फैटिक सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट करवाता है, और हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स आइटम है वो लिम्फ नोड के तरह के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये जो ब्यूचेरिया ब्रोंकोफाइटाइड पैरासाइट्स जो होते हैं, ये आपके लिम्फ के सिस्टम पे, लिम्फ में मिल जाते हैं और अपना फ्लूड इकट्ठा करते रहते हैं, और जब ये एक बार इकट्ठा हो जाता है तो इसमें आपको सूजन आती है, वोमिटिंग होने लगती है, सिम्टम्स इसके ये है, फीवर आती है, पेन होने लगता है, उसमें इचिंग होने लगती है, और
ये अगर ज़्यादा दिनों तक होती है तो इचिंग होते होते इसमें से पस का फॉर्मेशन होने लगता है और चमड़ी खाल बन के गिरने लगती है। ये फाइलेरिया के मेजर सिम्टम्स मैंने आपको बताया है। प्राइमरी सिम्टम्स में सिर्फ स्वेलिंग और वॉमिटिंग और फीवर ये देखने को मिलता है, लेकिन मेजर सिम्टम्स में इसमें से पस फॉर्मेशन होने लगता है, खाफ जैसे बन जाते हैं और स्किन की खाल उधेरने लगती है, यानी खाल जो है स्किन की जो एपिडर्मल एरिया है वो गिरने लगती है, गल के गिरने लगता है। जैसा कि इसमें आपको बैंडेज करना पड़ता है, उसे हाइजीन के लिए उसे साफ़ करना पड़ता है, तो ये इसके मेजर कंडीशंस है। तो दोस्तों, ये ड्यूचेरिया ब्रोंकोफाइटाई जो होते हैं वो फाइलेरियासिस के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। जब एक बार आपके ब्लड में, आपके लिम्फ नोड में फाइलेरिया इंटर कर जाती है, यानी कि ड्यूचेरिया ब्रोंकोफाइटाई पैरासाइट्स इंटर कर जाते हैं, और वो जब कोई मच्छर आपको काटते हैं तो उनके लार्वा तक पहुंच जाता है, और फिर वो मच्छर किसी और को काटते हैं तो उसमें जो मौजूद ब्रोंकोफाइटाई ब्रोंकोफाइटाई है वो किसी और पर्सन को अगर होता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इस तरह से फाइलेरिया बढ़ भी जाता है, फैल भी जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है या नहीं। बिल्कुल, होम्योपैथी में फाइलेरिया को जड़ से ख़त्म किया जाता है, और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने ठीक किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब फाइलेरिया स्टार्ट होता है, जब इसका प्राइमरी एक्शन स्टार्ट होता है, उस कंडीशंस में अगर डॉक्टर्स इस पर एग्जामिन करके अगर ये डायग्नोसिस कर लेते हैं कि ये फाइलेरिया है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि फाइलेरिया बॉडी में कहाँ कहाँ होती है। महिलाओं में ब्रेस्ट में हो सकता है, यानी मैमरी ग्लैंड में हो जाते हैं, जिसे थनैला भी कहा जाता है या मैस्टाइटिस भी कहा जाता है। और पुरुषों में आपको टेस्टिस यानी अंडकोश में भी होता है, और पैर में मेल और फीमेल दोनों को हो जाता है, हाथ में भी ये हो जाते हैं, समटाइम्स ये आपके पूरे बॉडी में भी हो जाते हैं। ये बहुत रेयर केस होता है, पूरे बॉडी में फाइलेरियासिस बहुत कम लोगों को होता है, ज़्यादातर पैरों में, हाथ में होता है, और महिलाओं के मैमली ग्लैंड में और पुरुषों के टेस्टिस यानी अंडकोश में होता है। दोस्तों, अगर हम मेडिसिंस की बात करें तो सबसे पहली मेडिसिंस आती है हाइड्रोकोटाइल। दोस्तों, हाइड्रोकोटाइल फाइलेरियासिस की सर्वोत्तम मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिंस है। इसको आप, अगर फाइलेरियासिस है तो आप इसे मदर टिंचर फॉर्म में आप ले सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है एपिस मेलिफिका, उसे आप 1 mg पोटेंसी में साप्ताहिक ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसॉल। दोस्तों, मर्कसॉल उस कंडीशंस में दी जाती है जब आपके पैरों में से खाल गलने लगती है, चमड़ी गल के गिरने लगता है, पस जल्दी नहीं सूखता है, उस कंडीशंस में मर्कसॉल को आप 1 mg पोटेंसी में सप्ताह में एक बार करके लेना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपको, वो है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम का ये सिम्टम्स होता है कि किसी भी डिजीज़ में बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपको फाइलेरियासिस हो गया है, स्वेलिंग हो गई है और आप बेचैन रहते हैं इसके लिए, तो उस कंडीशन में आपको आर्सेनिक 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार लेना है। दोस्तों, ये जो भी मेडिसिंस मैंने आपको बताया है, हो सकता है मेडिसिन चेंज भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। इसके लिए आपको पार्टिकुलरली डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और अपना इंडिविजुअल ट्रीटमेंट लेना होगा, क्योंकि होम्योपैथी में हर पर्सन के लिए मेडिसिन अलग अलग चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे
ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पेड कंसल्टेशन के थ्रू व्हाट्सएप पे आप अपना डिटेल्स सेंड कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या अगर मेडिसिन होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जाने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आप सभी लोग खुश होंगे और ये मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।